क्या आप जानते हैं कि ट्विन पैराडॉक्स क्या होता है? और अगर आप सैटर्न प्लैनेट को पानी पर रख देंगे तो वो तैरने लगेगा। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ट्विन पैराडॉक्स में ये बताया गया कि अगर कोई दो जुड़वा है तो उनमें से एक को अगर धरती पर रखा जाए और दूसरे को लाइट के स्पीड से रॉकेट में ट्रेवल करवा दिया जाए, यानी कि पृथ्वी से दूर भेज दिया जाए, तो जो दूर जा रहा होगा पृथ्वी से लाइट के स्पीड से जो ट्रैवल कर रहा होगा उसके लिए समय बहुत ही ज्यादा धीरे वर्क करेगा, और जो धरती पर रहेगा उसके लिए समय नेचुरल रहेगा। जो ट्विन रॉकेट से पृथ्वी से दूर गया है, अगर वो 5 साल के बाद पृथ्वी पर आए तो उसकी उम्र बहुत ही कम होगी, 1 साल या आधा साल आप मान सकते हैं कि उसकी उम्र बड़ी होगी। लेकिन जो धरती पर रहेगा उसकी उम्र 5 साल बढ़ चुकी होगी। यही है ट्विन पैराडॉक्स, जो कि बताता है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा धीरे चलेगा। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। नासा के साइंटिस्ट और दुनिया भर के और भी सारे साइंटिस्ट अलग अलग स्टार्स को डिस्कवर करते हैं और उनके प्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं। तो इससे हमें नॉर्मली ये पता चलता है कि जितने भी स्टार्स होते हैं उनके आसपास प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे रोग प्लैनेट्स भी होते हैं। रोग प्लैनेट्स उन्हें कहते हैं जिन प्लैनेट्स का कोई भी स्टार नहीं होता है। वो प्लैनेट्स किसी भी स्टार को या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी को रिवॉल्व नहीं करते होते हैं, यानी कि उनके आसपास नहीं घूम रहे होते हैं। जो रोग प्लैनेट्स होते हैं वो यूनिवर्स में ऐसे ही इधर से उधर घूम रहे होते हैं, उनकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है। एस्ट्रोनॉमर्स की दो टीम ने पानी का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर फाइंड किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहां पर है? ये हमारे सोलर सिस्टम से 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और ये जो रिजर्वॉयर है ये हमारी पृथ्वी पर जितने भी पानी हैं उन सबको अगर एक साथ कलेक्ट करें तो उनसे 140 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ा है। ये जो रिजर्वॉयर है ये एक क्वासर के आसपास है। क्वासर एक बहुत ही पावरफुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी होता है, और ये जो रिजर्वॉयर है, वाटर का रिजर्वॉयर, ये उस क्वासर से 30 बिलियन माइल्स की दूरी पर है। मैट ब्रैडफोर्ड ने ये कहा था कि इस क्वासर के आसपास जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और ये यूनिक एनवायरनमेंट ही इस चीज का रीजन है जिसके वजह से इतना सारा वाटर वहां पर बन रहा है। आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आपने हाईवे से ट्रैवल किया होगा, आपने बहुत सारे नेशनल हाईवे से, बहुत सारे एक्सप्रेसवे से ट्रैवल किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में भी एक हाईवे है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलकर इस चीज को फाइंड किया है। उन्होंने बहुत सारा कैलकुलेशन लगाया और इस चीज को फाइंड किया कि क्या एक हाईवे बन सकता है स्पेस में कि हर प्लैनेट को हम अच्छे तरीके से कवर कर पाए। इस चीज को करने में वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे। अभी अगर हम किसी प्लैनेट को विजिट करते हैं तो हम डायरेक्टली अर्थ से फ्लाई करते हैं और उस प्लैनेट तक पहुंचते हैं। लेकिन इन रिसर्चर्स ने फ्यूचर के सभी रॉकेट लॉन्चेस को, सभी के सभी प्लैनेट विजिट्स को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया। उन्होंने एक सुपर हाईवे नेटवर्क फाइंड किया है अपने कैलकुलेशंस के द्वारा। इस हाईवे नेटवर्क को उन्होंने कुछ ऐसे फाइंड किया है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सर्टेन समय पर एक दूसरे के आसपास आते हैं। तो सभी के सभी प्लैनेट्स के स्पीड को, सभी के सभी प्लैनेट्स के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के एंगल को कैलकुलेट करके उन्होंने ये हाईवे को फाइंड किया है। इससे ये हेल्प हो सकता है कि अगर हम फ्यूचर में अर्थ से फ्लाई करें तो हम पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा जल्दी कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जुपिटर से नेपच्यून में जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 10 साल में ही पहुंच सकते हैं। नासा ने यह भी कहा है कि वो फ्यूचर में इस चीज को यूज करेंगे, फ्यूचर में इस हाईवे को यूज करेंगे और अर्थ से हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स तक भी पहुंच सकेंगे। ये जो सैटर्न प्लैनेट है ये पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैटर्न को अगर आप पानी के ऊपर रख दें तो पानी पर फ्लोट करने लगेगा, वो पानी में डूबेगा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सैटर्न है वो मोस्टली गैसेस से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत ही कम कंपाउंड्स हैं जो कि मेटल्स या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो पानी होता है, पानी की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप इसे सैटर्न से कंपेयर करें तो सैटर्न की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होती है।
इसीलिए आप सैटर्न को अगर पानी के ऊपर रख दे तो वो फ्लोट करने लगेगा। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बॉल को पानी में फेंक दें तो वो जो बॉल है वो पानी पर तैरने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल के अंदर एयर भरा हुआ होता है और एयर वाटर के कंपैरिजन में कम डेंस होता है, इसीलिए वो ऊपर में तैरने लगता है। यही सेम सिचुएशन होता है सैटर्न के साथ। सैटर्न भी इसीलिए पानी के ऊपर तैरने लगेगा क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर उसे पानी पर रख दे तो वो तैरने लगेगा। बाकी सभी के सभी प्लैनेट्स की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रीटो को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून।